भारत की हार से बीसीसीआई नाराज, अगले साल टी20 विश्व कप में नहीं दिखेंगे कई सीनियर खिलाड़ी। अगले विश्व कप तक भारतीय कई सीनियर खिलाड़ी सीरीज से बाहर हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या के पास कप्तानी हो और नई टीम का नेतृत्व करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि बोर्ड किसी भी को भी संन्यास लेने के लिए नहीं कहता है, यह एक व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन हाँ, 2023 में अधिकांश सीनियर खिलाड़ी को वनडे और टेस्ट मैच पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना के लिए कहा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि अगले साल ज़्यादातर सीनियर खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास कई अच्छे खिलाड़ी हैं और किसी का निर्णय लेने के लिए यह सही समय नहीं है। आगे कहा कि हम पर्याप्त मैच खेलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। भारत कोशिश करेगा कि अगले विश्व कप के लिए तैयारी करें। बता दें कि 2023 में वो अक्टूबर और नवंबर के दौरान 50 ओवर वाला विश्व कप की मेजबानी करेगा भारतीय टीम। वहीं भारत 18 नवंबर से 3 T20 वनडे और 3 वनडे खेलने के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगा। इन मैचों में रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को आराम दिया गया है। शेखर धवन टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं ऋषभ पंत को दूसरे दौर पर उपकप्तान बनाया गया है। साथ ही श्रेयस अय्यर, शुभनम गिल, संजू सैमसन जैसे युवा खिलाड़ी शामिल होंगे जिनकी प्रतिभा को इन मैच में परखा जाएगा। और पृथ्वी शाह को भी नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में बार बार नज़रअंदाज किया गया है। रोहित और कोहली बहुत बड़े नाम है और बीसीसीआई द्वारा उनके करियर पर चरण के बारे में फैसला की संभावना कर सकते हैं बीसीसीआई।